सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पॉक वॉक। एंड यार, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी तो गाइस प्लीज पिछली वीडियो देख लेना पहले, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कराए हैं यार जो एचसीपी पे डिपेंड है। ठीक है, तो एचसीपी हमने बहुत अच्छे से देखा था क्या होता है और कैसे उसे पूरा निकाला था। आज उन पे न्यूमेरिकल देखेंगे जो पेपर में आ सकते हैं, नहीं आए तो वो कोई इशू नहीं है, बट आ भी सकते हैं क्योंकि इसमें वेक्टर वाले जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन नहीं होते, दो तीन क्वेश्चन उनमें कभी कभी फंसा देते हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, देखो मैं एफसीसी और बीसीसी पे नहीं करा रहा, क्यों? क्योंकि वो हम 12th पे करके आए हैं, तो डायरेक्ट अगर आपको एज लेंथ दे दी और रेडियस निकालने को बोला तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया था, वो याद हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छे हैं क्वेश्चन थोड़े। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फॉर एचसीपी स्ट्रक्चर इन विच द एटम ऑक्यूपाइंग द लेटेस्ट पॉइंट हैज रेडियस 1.6। ठीक है, तो इसमें हमें रेडियस गिवन है 1.6 एंगस्ट्रॉम। अब मेरे को पता है रेडियस अगर 1.6 गिवन है तो मेरे पास एज लेंथ निकल जाएगी। एज लेंथ क्या होती है, हमने जब एचसीपी पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो एज लेंथ होता है वो क्या होता है, ए इक्वल टू 2r के बराबर होता है। ए इक्वल टू 2r, मेरे को r पता था, मेरे को ए भी पता लग गया, ए आ गया मेरे पास 3.2 ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 to the power -10। ठीक है, तो ठीक है, मेरे को रेडियस गिवन था, मैंने एंगस्ट्रॉम मतलब ए की वैल्यू निकाली, देखते एज लेंथ, और मेरे पास ये आ गई। अब मुझे ये भी पता था कि सी और ए का रिलेशन क्या होता है, ये भी पीछे वीडियो में देखा था हमने, पिछली वीडियो में, कि सी और ए का रिलेशन हमें पता है 2√2/√3 होता था। अब 2√2/√3 से मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है, मैंने आर से निकाला और मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 5.2 ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो मेरे को ए की वैल्यू मिल गई एंड मेरे को सी की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए भी ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए भी मैंने क्या लिखा हुआ है पीछे, वॉल्यूम बताया था जब वॉल्यूम निकाली थी, तो हमने बोला था कि जो नीचे का इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, और कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। लास्ट वीडियो अगर जिसने देखी है उसे कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी, उसे सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो हमने बताया था कि वॉल्यूम जो होती है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर इनटू में हमने हाइट करा था, तो हाइट हमारी कितनी है, इधर सी है, तो हमने वही लिखा सी इनटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, इनटू में सी दैट इज हाइट, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा किसका, एचसीपी का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। तो ये मैंने वॉल्यूम पे फॉर्मूला लगाया, मेरे को ए की वैल्यू पता है क्या है, मुझे सी की वैल्यू पता है, मैंने वैल्यू डाली और मैंने वॉल्यूम निकाल ली, और वॉल्यूम है तो मेरे को पता होना चाहिए वो किसमें आएगी, मीटर क्यूब में आएगी। तो आई होप क्वेश्चन कैसा आएगा, या आए ना आए वो कोई इश्यू नहीं है, बट आना चाहिए सॉल्व करना वॉल्यूम ऑफ एचसीपी पे, क्लियर। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, दैट इज ये वेक्टर्स पे डिपेंड है। ठीक है, द प्रिमिटिव ट्रांसफॉर्म, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ हेक्सागोनल स्पेस पैकिंग, हेक्सागोनल स्पेस पैकिंग लैटिस आर, ए की वैल्यू गिवन है, ए एक वेक्टर है, मतलब ए की वैल्यू गिवन है जो हमें प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स गिवन है। ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी हमने पहले देखे हुए हैं, है ना, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स वही है ये ए बी और सी। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेल, हमें वॉल्यूम निकालनी है और हेक्सागोनल स्पेस पैकिंग बोली हुई है। अब सबसे पहली बात कि इसमें ना तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोई कंसेप्ट है, ना किसी चीज का कंसेप्ट है, बस ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम निकलती थी वो हम कैसे निकालते थे वेक्टर्स में। जिसको वेक्टर्स नहीं आता उसके लिए मैं बता देता हूँ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्लियर शॉर्टकट क्लियर कट होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी हमें क्या बता देता है, वॉल्यूम बता देता है। तो अगर ए मेरे को पता है, बी क्रॉस सी मुझे पता है, तो बी क्रॉस सी की मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, आई होप क्रॉस प्रोडक्ट सबको करना आता है, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया और बी क्रॉस सी की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। जैसे मेरे को बी क्रॉस सी की वैल्यू मिली, मैंने इन दोनों के साथ क्या करा, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लिया, और ये बी क्रॉस सी जो है ये ब्रैकेट में है, तो हमने बी क्रॉस सी जो कैलकुलेट करा वो ये रहा, और ए की वैल्यू ये रही, और हमने इन दोनों का क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया। मेरे को पता है आई ये रहा, आई ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई √3/2a × a, ए स्क्वायर और 2 × 2 = 4। सिमिलरली इसका इसका मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों को एड करा √3a² / 2, तो कैलकुलेशन कोई वो नहीं है, मैटर नहीं करता। तो देखिए आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है इधर, और इधर भी ये वॉल्यूम पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड यही था वीडियो मैच की। तो थैंक यू।